फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे बेसिक डिवीज़न बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बेसिक डिवीज़न कैसे सिखाएं। डिवीज़न मीन्स होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 42 / 6। मान लीजिए कि 42 मैंगोज़ हैं, उसको 6 लोगों के बीच में बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो पहला तरीका है कि हम 42 में से 6 को माइनस करते जाएं, कि जैसे एक 42 - 6, पहले को हमने दे दिया 6 मैंगोज, फिर हमारे पास बचा यहाँ पे 36 बचा, फिर हमने 36 में से माइनस 6 किया, दूसरे को हमने दे दिया, यहाँ पे कितना बचा हमारा 30, फिर हमने माइनस किया 6 30 में से, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 24, ये तीसरे को हमने दे दिया, फिर 6 हमने माइनस किया, ये चौथे को हमने दे दिया, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 18, और ये चौथे को हमने दे दिया, फिर हमने 6 माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना 12, ये फिफ्थ नंबर वाले को दे दिया हमने, फिर यहाँ पे माइनस किया, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 6, और ये हमने 6 नंबर को दे दिया, फिर यहाँ पे लास्ट हमारा 6, यहाँ पे 6 बचा, तो 6 माइनस करेंगे ये 7, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 0। मतलब कि हमने इक्वली सब में डिवाइड कर दिया 6 6, कितने लोगों के बीच में डिवाइड हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों के बीच में डिवाइड हुआ, तो हमारा आंसर हो गया 7। इसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, बेसिक डिवीज़न है ये, जो मल्टीप्लाई करके हम टेबल के थ्रू करते हैं सेम चीज़ है। इसको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से हम समझा सकते हैं कि एक्चुअली होता कैसे है। दूसरा तरीका है कि आप फिगर के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे 42 है, इसको 6 लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटना है। 6 लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटना है, तो हम पहले 6 बॉक्स बना देंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉक्स बना दिए, क्योंकि ये 6 लोगों के बीच में हमें 42 मैंगोज को बराबर बांटने हैं। कैसे बांटेंगे, हमने सबको एक एक दे दिया पहले 6, फिर हमने एक एक दे दिया। अब ये काउंट भी करते जाएंगे कि हमने कितना बांट लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। अब ये देखना है, ये 6 लोगों के बीच में हमने बराबर मैंगोज बांट दिए, हर एक में कितने आए 7, मतलब कि हर एक लोगों के पास 7 मैंगोज बराबर बराबर जाएंगे, तो हमारा आंसर 7 आएगा। तो बच्चों को इस तरह से आप बेसिक डिवीज़न सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और टेबल के थ्रू तो उन्हें आना ही चाहिए, लेकिन समझाने के पर्पस से आप इस तरह से बता सकते हैं कि बेसिकली डिवीज़न होता क्या है। किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ को बराबर भाग में बांटना, वही डिवीज़न कहलाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।